ये गवर्नर के अपने विवेक पर निर्भर करता है। संविधान गवर्नर को पूरी पावर्स देता है किसी को भी चीफ मिनिस्टर नियुक्त करने की, लेकिन गवर्नर से ये अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो उनकी राय में, उनके जजमेंट में सदन के बहुमत का समर्थन पा सकने की स्थिति में हो। लेकिन ये गवर्नर के अपने डिस्क्रिशन में, उनके अपने सेटिस्फेक्शन पर निर्भर करता है, तो और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। जहाँ तक बहुमत का सवाल है कि किसके साथ बहुमत है, वो निर्णय केवल विधानसभा में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ही लिया जा सकता है और कहीं नहीं। वो राजभवन में लॉन्स पर या परेड करा के या लिस्ट सबमिट करके नहीं लिया जा सकता। एक तरफ अगर दिख रहा है कि मेंबर्स काउंट है वो जेडीएस और कांग्रेस, किसको दिख रहा है जैसा वो लोग लेटर में दिखा रहे हैं? नहीं, तो वो लेटर में दिखा रहे हैं ना, वो लेटर में दिखा रहे हैं, तो वो तो निर्णय नहीं करेंगे। निर्णय तो राज्यपाल को करना है, राज्यपाल को सेटिस्फाई होना है। किसको क्या दिख रहा है वो सवाल नहीं है, किसके साथ मेजोरिटी है इसका निर्णय केवल सदन के अंदर हो सकता है, विधानसभा में हो सकता है, सड़कों पर नहीं हो सकता, कागज की लिस्टों पर नहीं हो सकता। सर, कांग्रेस इसको असंवैधानिक बता रही है? देखिए, मैं पार्टीज की राजनीतिक दलदल में नहीं पड़ना चाहता, कौन पार्टी क्या कह रही है। मैं एक संविधान के विद्यार्थी के नाते ये बता सकता हूँ कि संविधान क्या कहता है। मेरा मानना है, मैं दो दिन से बराबर कह रहा हूँ, कि संविधान राज्यपाल को अपने विवेक में ये निर्णय लेने की शक्ति देता है कि वो किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दें, और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जिसके बारे में वो ये सेटिस्फाइड हों कि उसे सदन का बहुमत प्राप्त होगा।